नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा बनाए रखें। तो आज है आपका 12 अगस्त। तो हम देखेंगे कि 12 अगस्त के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, तो आपका विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये विश्व हाथी दिवस कब से स्टार्ट हुआ, तो ये आपका 12 अगस्त 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इन जीव जंतुओं से संरक्षण से संबंधित एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। क्या नाम है दोस्तों? IUCN। इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, यानी कि प्रकृति को बचाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अभी संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका गैलेंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? गैलेंड स्विट्जरलैंड में। इस संस्था की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। कब हुई थी IUCN की स्थापना? 5 अक्टूबर 1948 को। वर्तमान में इसके जो CEO हैं वो हैं ग्रेटेल एग्यूलर। क्या नाम है उनका? ग्रेटेल एग्यूलर, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना की थी वो थे जॉन हैक्सले ने इस संस्था की स्थापना की थी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, IUCN इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को जॉन हैक्सले के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में इसके CEO जो हैं वो हैं ग्रेटेल एग्यूलर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गैलेंड स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए, ये हाथी का जो है, हाथी भारत में हाथी कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो उसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। जबकि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत का वो 1973 में स्टार्ट हुआ था। चलिए दूसरे प्रश्न का रुख करते हैं। किस राज्य या UT ने अगले सत्र से खुद का बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये आपका दिल्ली सरकार ने अगले सत्र से खुद का बोर्ड यानी शिक्षा बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। और आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। क्या हैं? कौन है? मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। क्या नाम है उनका दोस्तों? अनिल बैजल। तीसरे प्रश्न का रुख करते हैं, केविक ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? केविक यानी कि आपका खादी ग्रामोद्योग, ठीक है, भारत का जो खादी ग्रामोद्योग संस्था है उसने आपका एक रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। वो खोला है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ खोला है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो इसको CM है पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू इसके CM। और गवर्नर की बात की जाए तो ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, ठीक है, प्रोफेसर BD मिश्रा इस यहाँ के गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चौथा प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो भारत ने आपका मालदीव के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। और अभी भारत और मालदीव के बीच जो है वो 8 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है, भारत इसका विस्तार करेगा। अब मालदीव की बात आई है तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है दोस्तों? माले। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इब्राहिम बिन सले। कौन है? मोहम्मद बिन इब्राहिम सले। मालदीव में मालदीवी रुपया चलता है, वहाँ की मुद्रा है। चलिए पांचवें प्रश्न का रुख करते हैं, ICC T20 विश्व कप 2022 T20 पुरुष विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ICC T20 पुरुष विश्व कप 2022 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। और हालांकि 2020 में जो होना था आपका ICC T20 विश्व कप
उसे आईसीसी ने स्थगित कर दिया है, और अब जो है आपका 2021 वाला वो उसकी मेज़बानी भारत करेगा, और 2022 वाले विश्व कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी का मुख्यालय आपका दुबई एई में है, कहाँ है, यूएई के दुबई में है, और मनु साहनी इसके वर्तमान में सीईओ हैं और अंतरिम अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा, और भारत बीसीसीआई की बात कर ले तो सौरव गांगुली उसके अध्यक्ष हैं। चलिए छठे प्रश्न का रुख करते हैं। पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया, तो ओएफसी पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर इस केबल का शुभारंभ जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है, और इसके हो जाने से वहाँ पर कनेक्टिविटी की सुविधा यानी कि इंटरनेट की जो सुविधा है वो और बढ़ेगी, उसका बढ़ावा होगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो स्थित है ना। चलिए सातवें प्रश्न का उत्तर करते हैं कि संस्था द्वारा 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया गया है, तो ये संस्था है आपका भारतीय रेलवे जो कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। ठीक है, 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, और रेलवे के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। आठवां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने किस देश की आईटी फर्म पोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक आईटी फर्म है बोस्टन ग्रुप उसके साथ समझौता किया है, और ये अमेरिकी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। अब बोस्टन की बात आई है तो बोस्टन ग्रुप के सीईओ हैं सुबुकोटा, क्या नाम है इनका, सुबुकोटा, बोस्टन ग्रुप के सीईओ हैं सुबुकोटा, और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। तो आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वाई एस जगन रेड्डी वहाँ के सीएम है, और तीन राजधानी वाला यह आपका राज्य बनेगा। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो ये विश्व हरिभूषण प्रसाद हैं वहाँ के गवर्नर। ठीक है, चलिए नौवें प्रश्न का रुख करते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुनः निर्वाचित हुए हैं, ये उनका लगातार क्यावा कार्यकाल होगा, तो बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं कौन, अलेक्जेंडर लुकांसो मित्रों, तो और ये जो है आपका छठी बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। अब बेलारूस की बात आई है तो बेलारूस की राजधानी कहाँ है ये जान लेते हैं। बेलारूस की राजधानी है मिंस, और यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। कौन सी मुद्रा है, बेलारूसी रूबल। ठीक है दोस्तों, चलिए दसवें प्रश्न का रुख करते हैं। सरकार ने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है, कौन सा पोर्टल है, तो दरअसल 12 अगस्त को आज ही के दिन हाथी विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, तो सरकार ने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश रूस बना है। ये आपका कल ही रूस ने अपने टीका का लॉन्च किया है, और इसका नाम है स्पुतनिक फाइव। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है स्पुतनिक फाइव। इसको आप स्पुतनिक फर्स्ट से कंफ्यूज नहीं करेंगे, स्पुतनिक फर्स्ट आपका स्पेस शटल से रिलेटेड है, जबकि स्पुतनिक फाइव जो है वो आपका रूस ने वैक्सीन बनाया है कोविड-19 से बचने के लिए, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहला टीका अपनी बेटी को लगवाया और उसकी शुरुआत की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और राजधानी है मॉस्को। 12वां प्रश्न है आपका, पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं रोजर मार्टोस रुइस। कौन बने हैं, रोजर मार्टोस रुइस, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मार्टिन बिजिकारो। कौन बने हैं, राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट हैं ये प्रेसिडेंट है पेरू के मार्टिन विजकारो। अब हम बात करते हैं पेरू की, तो पेरू की राजधानी है लीमा। कहाँ है राजधानी मित्रों, पेरू की राजधानी है दोस्तों लीमा, और
पेरू की मुद्रा है पेरू सोल। कौन सी मुद्रा है? यहाँ पर मुद्रा चलती है पेरू सोल, ठीक है ना। चलिए दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के बीच करंट अफेयर को लाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 13वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा, ये एक वेबिनार का आयोजन किया गया और ये नई दिल्ली में किया गया, और हालांकि ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, तो इसकी शुरुआत जो इसका शुभारम्भ जो है रमेश पोखरियाल निशंक साहब जो कि MHRD मिनिस्टर हैं, हालांकि अब तो इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, है ना। आपने नई शिक्षा नीति देखा कि नहीं? जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, हमारे चैनल पर भी वीडियो अवेलेबल है। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और CM है शिवराज सिंह चौहान। ये कौन है? CM है, और आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दरअसल लालजी टंडन जी का हाल ही में निधन हो गया है, तो नए गवर्नर अभी फिलहाल आनंदीबेन पटेल ही प्रभार में हैं। 14वां प्रश्न है, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाया है? तो भारत सरकार का जो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, मतलब बहुप्रतीक्षित नहीं, बहुत क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत भारत सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों, जैसे बहुत सारे बंदूकें हैं, बहुत सारे रक्षा उपकरण हैं, उन पर क्या, उन पर आयात नहीं की जाएगी, उनके आयात पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि भारत उसका निर्माण अब खुद करेगा। रक्षा मंत्री हैं भारत के राजनाथ सिंह जी। कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ करते हैं। 15वां प्रश्न, 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो 70वीं ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? मैक्स वेरस्टैपेन ने, और ये आपका रेड बुल रेसर हैं। ये कौन से रेसर हैं? इनकी गाड़ी है रेड बुल, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर रहे लुइस हैमिल्टन, जो कि काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन, और इनकी गाड़ी का नाम है मर्सिडीज़। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज़। और ये रहे दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर पर, और वाल्टेरी बोटास रहे तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो अवार्ड किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपेन ने। चलिए 16वां प्रश्न का रुख करते हैं, हाल ही में मणितुम्बी सिंह का निधन हो गया, वे संबंधित थे? तो मणितुम्बी सिंह जी फुटबॉलर थे, और ये आपके भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान रह चुके हैं। आप जानते हैं मोहन बागान जो है भारत का एक बहुत ही पुराना फुटबॉल क्लब है ना, मोहन बागान, ये मोहन बागान के कप्तान भी रह चुके थे। 17वां प्रश्न, हाल ही में राहत इंदौरी जी का निधन हो गया, वे थे? तो राहत इंदौरी जी का निधन हो गया, ये उर्दू कवि थे, और इनको एक दिन पहले ही, कल ही इनका निधन हुआ है, और एक दिन पहले ही इनमें COVID-19 के लक्षण पाए गए थे। हालांकि इनका जो निधन है वो कार्डिक अरेस्ट की वजह से हो गया है, यानी हार्ट अटैक की वजह से आया है, हृदयघात हो जाने से। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था और इनका निधन 11 अगस्त 2020 को हो गया। 18वां प्रश्न है, इन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी और काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते ही हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, इस लाइन के साथ इन्होंने बहुत सारे युवाओं का काफ़ी दिल जीता था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। 18वां प्रश्न है, मॉरिटोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मॉरिटोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। कौन बने हैं? मॉरिटोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। यहाँ चुनाव नहीं हुआ, यहाँ पर नियुक्ति हुई है इनकी, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद ओल्ड गजौनी, इन्होंने इनको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट है मोहम्मद ओल्ड गजौनी। ये किसके बाद बने हैं? तो इस्माइल ओल्ड शेख सादिया जी, इन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इनका मोहम्मद ओल्ड बिलौली का। अब आप बात करते हैं मॉरिटोनिया की, तो मॉरिटोनिया की राजधानी है नॉकचॉट। कहाँ है राजधानी दोस्तों? नॉकचॉट।
और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है मॉरिटोनियन औगुआया, क्या है औगुआया इसकी मुद्रा है औगुआया। चलिए 19वां प्रश्न, तो दोस्तों ये था आपका 12 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और आपसे रिक्वेस्ट है कि काफ़ी मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए, आपके बीच आने के लिए, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इसमें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, बाय।